ओम शांति। भगवानो वाच, जब तक तुम्हारी गोल्डन एज की स्थिति ना आए तब तक विनाश होगा नहीं। गोल्डन एज में जाने से पहले यहीं पर हमारी गोल्डन एज की स्थिति आ जाएगी। विचार करें, सतयुग के शुरू में हमारी कितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी। सुख शांति धन संपदा प्रकृति मालिक, वही स्थिति हमारी यहाँ अंत में आ जाएगी। उसी स्थिति को यहीं से लेकर हम सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी तब हमारे अंदर बहुत ताकत होगी, हमारे जीवन में बहुत फलक होगी, हमारे बोल में बहुत प्रभाव होगा और तब होगा जय जयकार का दौर शुरू। तो हम अपनी इस गोल्डन एज स्थिति को बनाने के लिए बहुत ध्यान दें, लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे अपनी स्थिति को महान बनाना है। इसके लिए कुछ अभ्यास निश्चित कर लें। है शरीरी होने का अभ्यास, तो आत्मा जैसे जैसे देह से न्यारी होगी उसकी मूल स्थिति स्वतः ही आती जाएगी। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हमें देह के आकर्षणों से मुक्त करता चलेगा। हमें लगेगा देह तो सब कोई है, किसी को सुंदर है, किसी को थोड़ा निम्न कोटि का है, कोई बहुत काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई छोटे हैं। ये सब तो वैरायटी शरीर संसार में है ही, लेकिन ये तो आत्माएं अपना अपना देह लेकर पार्ट प्ले कर रही हैं। ये शरीर तो बदलते रहते हैं और हम भी कभी मेल शरीर में रहे कभी फीमेल शरीर में, इससे आकर्षण क्यों? ये समाप्त होता चलेगा, इससे प्योरिटी बढ़ती चलेगी। तो आत्मिक भाव धारण करना बहुत ही आवश्यक है। सारा दिन में हम दो चार बार अवश्य सोचा करें, संसार की ये सभी मनुष्य आत्माएं चमकती हुई ज्योति हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसा दीदीपन को बढ़ाते चलें। आत्मिक दृष्टि के साथ हम ये ध्यान दें कि गोल्डन एज स्टेज लाने के लिए हमें अपनी बुद्धि और मन को पूरी तरह स्वच्छ करना है। क्रोध से भी मुक्त, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से भी मुक्त, परचिंतन प्रदर्शन से भी मुक्त, बदले की भावना से वैर भावना से भी मुक्त। तो स्वयं को मुक्त करते चलेंगे तो स्थिति सतो प्रधान बनती चलेगी। हम इस बात पे बहुत ध्यान दें कि हमारा मन कहीं विचलित तो नहीं होता। हमारे मन में शांत भाव और साक्षी भाव सदा रहता है। हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हैं या उनमें विकारों की अग्नि अभी बाकी है? हमारी सभी इच्छाएं तृष्णाएं मिट गई हैं या संसार की इच्छाओं के पीछे हम अभी भी भाग रहे हैं? तो जैसे जैसे हम अपनी सतो प्रधान स्थिति बनाते चलेंगे, सतो प्रधान समय नजदीक आता जाएगा। पर ये न सोचें कि हम न बनाएं तो वो समय आएगा ही नहीं। समय तो आएगा ही, लेकिन अगर हम अपनी स्थिति के द्वारा उसको सहयोग करेंगे तो समय भी हमें सदा सहयोग करता रहेगा। तो आज सारा दिन अपने सामने अपना संपूर्ण गोल्डन एज स्वरूप रखेंगे और पांचों स्वरूपों को याद करेंगे। कैसे थे हम सतयुग में, बिल्कुल सामने देखो, ये है हमारा प्रथम स्वरूप। फिर मंदिरों में चलें, ये है हमारे पूज्य स्वरूप जो आज भी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखें जिससे चारों लाइट और माइट फैल रही है। और ये है मेरा धाम, शांति धाम, जहाँ पर मैं हूँ अपने डीप साइलेंस
की स्थिति में अपने सभी स्वरूपों का निरंतर अभ्यास करेंगे और गोल्डन एज स्थिति की ओर चलेंगे। ओम शांति।